Yes, students, as you know, our chapter starts with the word democracy here. And the word democracy, demo and cracy. Demo means people, cracy means rule. So ultimately, what is the democracy? Democracy is the government in which rule of people exists. How rule of people exist? By voting right and elections. It means दो features जो है democratic country के हो गए. One is voting right to all and second is elections. Clear? So, इसके अलावा आपको अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन भी लर्न करनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. यस, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. पीपल वर्ड कॉमन है, इसका मतलब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें मेन कॉन्सेंट्रेशन जो है किसके ऊपर दिया जाता है? लोगों के ऊपर. व्हाई? बिकॉज इफ द पीपल विल नॉट सेटिस्फाई, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम पर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है. बच्चे, कल का ही रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो देखो. आप सबको, बच्चों को पता होना चाहिए, तालिबान कंट्री कैप्चर द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान. एंड अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं, ठीक है, दे आर लीविंग द प्लेस बिकॉज नाउ देयर फ्यूचर इज नॉट सिक्योर एंड सेफ देयर. आपने जो है कल इवनिंग दिखा रहे थे, बैंक में लाइंस लगी हुई थी, लोगों ने जो भी सेविंग्स हैं जो बैंक्स में रखी हुई हैं, ठीक है, थीके? अब वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं. अल्टीमेटली अब उनकी कंट्री को किसने कैप्चर कर लिया? तालिबान. आपको मैंने इससे भी पहले कितनी कंट्रीज ऐसी करवाई थी, आपको याद है? काइजर विलियम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गई थी, देन काइजर विलियम फ्लेड फ्रॉम द कंट्री, और उस टाइम कंट्री को किसने संभाला? वाइमर रिपब्लिक. ऐसे ही अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री, कंट्री छोड़कर चले गए. अब कंट्री को कौन संभालेगा? तालिबान ने कैप्चर कर लिया. अब तालिबान कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर. अब नाउ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, दे आर नॉट सेफ. हाँ, अब देखो ना कि यूएसए प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा. कल दिखा रहे थे कि सम पीपल दे वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द प्लेन, वो प्लेन के टायर्स के साथ इवन कुछ लोग तो मतलब उसकी रूफ पे भी चढ़ रहे थे. उनको ये डर था कि मतलब अगर हम इस कंट्री में रह जाएंगे, हाँ तो उनको ये डर था कि अगर हम इस कंट्री में रह जाएंगे तो तालिबान पता नहीं इसका क्या हाल करेंगे, है ना. तो ये प्रॉब्लम आती है जब कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो, ठीक है. अब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमारी कंट्री में लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस पूछी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट इज आंसरेबल. लेकिन कई कंट्रीज आपको पता है अभी भी ऐसी हैं जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है. तो मैंने आपको कुछ कंट्रीज एग्जांपल बताए थे, तो अब हमने वन मार्क अकॉर्डिंग जो है वो उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है. सबसे पहले आपकी कंट्री जो बुक में कंट्री दी गई है, दैट इज पाकिस्तान. नेम ऑफ द जर्नल हु लेड मिलिट्री कूप इन द पाकिस्तान, कौन थे? परवेज मुशर्रफ. जर्नल परवेज मुशर्रफ, he led the military coup. Military coup का मतलब होता है revolt. Military coup का मतलब होता है military revolt. जब army revolt कर देती है और country के जो current president थे उनको overrule करके, General Pervez Musharraf, he became the executive of the country. उसने क्या किया? अपना designation change कर लिया. पहले वो military commander था, now he changed his designation to chief executive. ठीक है, इसके बाद ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. फिर उसने अपनी पोस्ट को चेंज कर लिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री. उसके बाद
2002 में उसने पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कंट्री में क्या करवाया, रिफरेंडम करवाया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफरेंडम? रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, जब लोगों से ये पूछा जाता है कि आप किसके लिए यस करते हो या नो करते हो। ये इलेक्शन नहीं होते, ये सिर्फ लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, सपोज आप बच्चे हो ना, मैंने आपसे कोई जो है वही क्वेश्चन है उसको मैंने ऑप्शन पूछा यस और नो, क्लियर। उसके बाद आप बच्चों ने सबने वो क्वेश्चन मुझे दे दिया, मैंने उसको पढ़ लिया, कितने बच्चों ने यस किया कितने ने नो किया है, ये किसको पता है? सिर्फ किसको पता है? सिर्फ मुझे ही पता है, आपको थोड़ी पता। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, मैं चेंज भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि हाँ जी सब बच्चों का यस है या सब बच्चों का नो, तो ये मेरे ऊपर। ऐसे ही परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 2002 में रिफरेंडम करवाया जिसमें उसने लोगों से क्वेश्चन पूछा शुड द गवर्नमेंट ऑफ परवेज मुशर्रफ बी कंटिन्यू और नॉट, तो लोगों का यस था या नो था, रिजल्ट चेंज कर दिया गया और बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज प्रेजिडेंट, और उसने वर्ल्ड के सामने ये दिखाया कि लोगों ने उसको चुना है, लोग उसको प्रेजिडेंट बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई ही वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर 5 ईयर्स। जैसे ही उसको 5 ईयर्स की एक्सटेंशन उसने ली, ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और प्रेसिडेंट की पावर्स को ज्यादा जो है और ज्यादा पावरफुल कर दी। देन आर्मी की इंटरफेरेंस ज्यादा कर दी, यानी कि उसने दिखाने के लिए पार्लियामेंट बनाई, लेकिन उस पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स थे उन मेंबर्स को आर्मी और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो लॉज बनाना पड़ता। तो इन दिस वे वी कैन से दैट एट दैट टाइम पाकिस्तान कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक because referendum was held but the real result of the people, jo logon ka real result tha, that couldn't be brought out, clear। iske baad next country hai china, china ka example hai, aaj ki bhi baat kare to china mein bahut si parties hain, small parties are there but china mein sabse important jo party hai that is chinese communist party। एंड चाइना में किसी भी पर्सन को पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है। सो वन मोर क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इलेक्शंस हेल्ड इन चाइना, कितने साल के बाद होते हैं? 5 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना? एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। वैसे उनकी चाइनीज नेम भी है ना, लेकिन हमने उसको इंग्लिश में याद करेंगे एनपीसी। सम एमपीज आर इलेक्टेड बाय आर्मी, एमपी जो है दे आर इलेक्टेड बाय आर्मी एंड कैंडिडेट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है उनको। एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नो डाउट स्मॉल पार्टीज आर देयर बट हमेशा गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इसका मतलब क्या है कि चाइना में ऑपोजिशन स्ट्रांग है या वीक है? ऑपोजिशन स्ट्रांग है या वीक है? वीक है। एंड चाइना में सेंसरशिप होगी ऑटोमेटिकली, जो कंट्री वन पार्टी नेशन होगा ना वहां पे सेंसरशिप तो होगी ही। कभी भी आपको चाइना के जो इंटरनल मैटर्स हैं वो टेलीविजन पे नहीं दिखाए जाएंगे। रीजन क्या? क्योंकि वहां पे मीडिया, चाइनीज मीडिया जो है वो हर ऐसी न्यूज जो वर्ल्ड में टेलीकास्ट की जाती है उनके ऊपर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, चेक है, क्लियर। अब इंडिया की छोटी से छोटी बात बाकी कंट्रीज को पता होती है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में मीडिया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देन इज मैक्सिको। मैक्सिको इन विच ईयर मैक्सिको गेन इंडिपेंडेंस? 1930। एंड इसमें आप ये डिफरेंट याद रखो, After how many years in Mexico elections are held? 5 or 6 years। Mexico एक ऐसी country है जहाँ पे president की elections जो हैं वो 5 years के बाद नहीं बल्कि 6 years के बाद होते हैं। Then only party of Mexico able to win the confidence हमेशा कौन सी है? PRI,
पी आर आई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और भी पार्टीज हैं लेकिन हमेशा इलेक्शन यही पार्टी जीतती है बिकॉज ऑफ डर्टी ट्रिक्स प्लेड बाय दिस पार्टी। डर्टी ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है दे आर कंपेल्ड टू अटेंड द मीटिंग्स। जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसको कंपेल किया जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। टीचर्स दे आर फोर्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड पार्टीज, दे हैव टू अटेंड द मीटिंग्स, दे हैव टू कन्विंस द पेरेंट्स, ठीक है, दैट दे शुड वोट फॉर PRI, ठीक है। अदरवाइज मीडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टी, मीडिया सारा पार्टी के कंट्रोल में है। आपको मैक्सिको के कभी भी कोई न्यूज जो है पार्टी के खिलाफ नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी कंट्री में मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय पार्टी, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है दैट गेन फ्रीडम इन 1980 में फ्रीडम मिली जिम्बाब्वे को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस कंट्री में जब इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम क्या था? ZANU-PF। इस पार्टी के लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट। 5 years के बाद फिर कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए लेकिन फिर भी कौन जीते? रॉबर्ट मुगाबे। कंटिन्यू 17 years तक ही बिकेम द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट रहे। हर बार 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते थे और हमेशा यही जीतते थे। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने चाहे इनको चुना या नहीं चुना लेकिन रिजल्ट हमेशा लोगों के सामने आता था कि ही वॉज अ विनर, ही डिक्लेयर्ड एज अ विनर। पार्टी भी सेम, पर्सन भी सेम, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट कि जिम्बाब्वे कहने को डेमोक्रेटिक है लेकिन हर बार एक ही रूलर एक ही पार्टी है। तो अदर स्मॉल पार्टीज वर देयर बट दे वर नॉट एबल टू विन बिकॉज इन दिस कंट्री आल्सो मेनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? टीवी मीडिया कंट्रोल किया गया, अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, इलेक्शंस के टाइम पीरियड में इमीडिएटली बूथ चेंज कर दिए जाते थे ताकि लोगों को क्या किया जाए, हरास किया जाए। सपोज पार्टी को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में लोग ZANU-PF को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, तो उस पार्टी का जो नियरेस्ट बूथ था उसको चेंज कर दिया जाता था और एंड टाइम पे इलेक्शन जो है कई बार कैंसिल करवा दिए जाते थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों को हरास करके कंट्री में कई बार जो है वो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को मिसयूज भी किया। सो ऐसी कंट्रीज, जिन कंट्रीज में इलेक्शंस तो करवाए जाते हैं लेकिन वो कंटिन्यू यानी कि रूलर सेम रहते हैं, पार्टी सेम रहती है, तो वी कांट से दीज कंट्रीज आर ट्रूली डेमोक्रेटिक, क्लियर। अब आ जाइए कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मैंने आपको 3-4 कंट्रीज के नेम बताए हैं, सऊदी अरेबिया, नेक्स्ट इज फिजी, एस्टोनिया। सऊदी अरेबिया, फिजी, एस्टोनिया। सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम क्या आई? विमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? वहां पे सेकुलरिज्म नहीं है, वहां पे स्टेट रिलीजन क्या है वहां पे? इस्लाम, ठीक है। एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे जो लोग रशियन है दे आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी और उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। सपोज इंडिया, यहाँ पे मैं लिखूं इंडिया, यहाँ पे लिखूं मुस्लिम, क्या हमारी कंट्री में मुस्लिम्स को वोटिंग राइट नहीं है? है, लेकिन एस्टोनिया में जो लोग रशियन रहते हैं ना उनको माइनॉरिटी कहा जाता है और उनको राइट टू वोट नहीं है। तो ये भी एक तरह से क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। फिजी एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो ओरिजिनल
ओरिजिनल का मतलब जो ओरिजिनल जिनकी फैमिली फिजी से है, जो यहाँ के हैं, ठीक है, वो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल सिटीजंस। दूसरे जो है लाइक इंडियन, इंडियन फिजी है, वो फिजी के ही है लेकिन वो इंडियन है, उनकी रेस अलग है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? अगर ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है वो वोट डालेंगे तो उनका एक वोट जो है वो किसके बराबर माना जाएगा? डबल। और अगर इंडियन, इंडियन को राइट दे दिया उन्होंने वोटिंग का, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? वो वोट डालेंगे उनका एक वोट माना जाएगा, ये वोट डालेंगे इनके कितने माने जाएंगे? दो। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई इंडियन फीसी इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा अभी, ही विल नेवर एबल टू विन द इलेक्शंस। गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनेगी? जिसको ओरिजिनल इनहेबिटेंट सपोर्ट करते हैं या फिर जो यहाँ से इनके रेस से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम है कुछ कंट्रीज में इस तरह से। वोटिंग राइट में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसा वोटिंग राइट देना है तो वोटिंग राइट देने का फायदा ही नहीं। अगर सपोज यहाँ पे 10 पीपल जो है उन्होंने वोट किया तो उनके 20 वोट्स माने गए, और यहाँ पे 10 ने किया तो उनके 10 वोट्स ही, तो इतनी वेटेज दी गई है इनको। तो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, है ना, ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है चाइना फेमाइन का एक जस्ट कंडीशन बताई गई है आपकी बुक में, कि जिस टाइम पीरियड में चाइना और इंडिया 1958 के नियर अबाउट बोथ कंट्रीज इंडिया एंड चाइना दीज वर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मैनी पीपल डाइड, लेकिन नंबर ऑफ डेथ इन चाइना वॉज मोर एज कंपेयर टू इंडिया। वाई? इंडिया में क्या थी? स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रॉपर प्रेशर था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट तो है ही वन पार्टी, नो प्रेशर, नो ऑपोजिशन, और जहां पे प्रेशर ही नहीं होगा, ऑपोजिशन ही नहीं होगी, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या होगी? नो आंसर, नॉट आंसरेबल। अब कोविड टाइम पीरियड में चाइना ने अपनी कंट्री में क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, उनको कोई इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी अपनी पार्टी, उनको पता कि 5 इयर्स के बाद भी उन्हीं को उसी पार्टी ने रहना। लेकिन एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया में जब फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम पीरियड में लॉकडाउन लगाया, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस, काफी हद तक कंट्रोल किया गया कंडीशन, बिकॉज उस टाइम पीरियड में ऑपोजिशन पार्टी हमेशा जो है वो रूलिंग पार्टी का क्वेश्चन करती है कि आप क्या करो, ठीक है, क्वेश्चन आर, मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन आर होता है जिसमें ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी को कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। और हमारी कंट्री में जो रूलिंग जो है मेजोरिटी पार्टी होती है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू चाइना। सो ये भी कई बार रीजन है, जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उस कंट्री में गवर्नमेंट आंसरेबल होती है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी इंडिया डेवलपिंग से डेवलप नहीं बन पाए, ठीक है, कहने को तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्री की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, स्टिल मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। हमारी कंट्री में अभी भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और पॉपुलेशन हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, करप्शन इज देयर, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण क्या हो रहा है, पार्टीज के बीच में आपस में, लीडर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट करते जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, बॉर्डर एरियाज जो हैं वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज अ काइंड ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कुछ एक वीक पॉइंट्स हैं जो कि इम्प्रूव किए जाएं तो हमारी कंट्री जो है वो बेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था सारा स्टोरीज और केस स्टडीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अब इसके अलावा आपको मैंने करवाए थे मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, अब हम वो करते हैं, लेकिन अब हमें इनको वन मार्क अकॉर्डिंग करना है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस। पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किया था, नाउ यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स फॉर वन मार्क, क्लियर? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट मेरिट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज।
What do you mean by universal right franchise? Right to vote for? Yes. 18 years. 18 years means all men and women above the age of 18 years, they are having right to. Second feature, free and fair election. Everyone have access to give the vote. Har koi vote kar sakta hai. Free ka matlab kya hai? Elections ke liye aapko kisi tarah se money nahi deni padegi. Fair ka matlab kya hai? Aapne jisko vote diya hai, wo result aapke samne aaye. Third, democracy ka third jo hai feature kya hota hai? Third feature is public opinion. Logon ki raaye li jati hai. What is the meaning of public opinion? Public opinion means the expectations and you can say जो भी लोग desire करते हैं, जो भी उनकी values होती हैं, जो thinking होती हैं, these are given weightages. उनको weightages दी जाती है. They are given freedom of expression. They can express their feelings. They can oppose the government. कैसे government को oppose करते हैं? आप शाम के time पर कोई भी channel लगाओ, उसमें mostly आप क्या देखोगे? Debate and discussion. एंड ये डिबेट एंड डिस्कशन जो है वो स्पेशली अलग अलग पार्टीज के बीच में होता है. एंड कुछ लोग जो हैं वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी बोलते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं. इट मींस वी आर फ्री फॉर अपोजिंग आवर कंट्रीज गवर्नमेंट आल्सो. यस, वेरी गुड. सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? इट मीन्स इन आवर कंट्री देयर इज अ नो स्टेट रिलीजन. ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल ट्रीटमेंट. People are free to profess. Profess का मतलब होता है वो किसी भी अपनी religious teachings जो है उनको आगे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को education दे सकते हैं, unless and until वो किसी और religion के लिए उसको against ना करें, ठीक है, conspiracies या attack ना करें. हाँ, right to access to all public places. ये भी democracy का best example है. South Africa में आपने पढ़ा था racial discrimination था when people were segregated, लेकिन हमारी country में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, पीपल दे हैव एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस. वी कैन मूव एनीवेयर. फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू अस एंड इफ दीज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वी कैन हैव एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर आर राइट्स. ठीक है, तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. और बहुत से मेरिट्स हैं. और क्या है? राइट टू एजुकेशन इज देयर. यस, इट इज अ फीचर ऑफ दिस. एनी अदर? गुड डिसीजन आर टेकन. ठीक है, गुड डिसीजन का मतलब होता है व्हेन टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब इतने सारे लोग होंगे तो आइडियाज भी अलग होंगे और हर पर्सन के, क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है, मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, जिसके कारण हमारी कंट्री में ये सिस्टम रखा गया कि हर स्टेट से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला. इसीलिए हमारी कंट्री में टू हाउसेज आर देयर, लोकसभा एंड राज्यसभा, ताकि अगर लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में क्या होता है, हर स्टेट के लोग हैं, हर स्टेट के लोगों को क्या चाहिए वो उनके एमपी अच्छी तरह से बता सकते हैं. एंड इन दिस वे वी कैन से दैट इन आवर कंट्री जब एक लॉ बनता है तो उस लॉ को कितने प्रोसीजर से होकर निकलना पड़ता है, और इसीलिए लोगों के साथ जो भी लॉ पास होते हैं वो बेस्ट लॉज बने. लेकिन कई बार कुछ ऐसा भी होता है, लॉज बेस्ट नहीं बन पाते, देन पीपल आर गिवन फुल फ्रीडम टू अपोज. जैसे फार्मर बिल, फार्मर बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, बट स्टिल मेनी पीपल दे आर अपोजिंग दिस बिल. तो अभी भी जो है वो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है. इसको अभी जो है प्रॉपर सॉल्व नहीं किया गया, बट स्टिल वी कैन से दैट पीपल दे हैव पावर टू अपोज द गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कोई भी रॉन्ग बिल बनाती है. ठीक है, यस, ये तो थे फीचर्स. एनी अदर स्टूडेंट तो फीचर बताए डेमोक्रेसी के? मेरिट्स, आई हैव डिस्कस सो मेनी फीचर्स विद यू. मेरिट्स, यस. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के? नंबर वन, इन अनस्टेबल गवर्नमेंट. अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? व्हेन सो मेनी पार्टीज आर देयर, मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर, कीप ऑन क्लैशिंग विद ईच अदर. पार्टीज आपस में मिनिस्टर्स लड़ते रहेंगे और वो आपस में लड़ते रहेंगे तो कंट्री को क्या संभालेंगे. और कई बार जब कोलिजन गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर से इलेक्शन होते हैं कंट्री में, और ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल गवर्नमेंट. अनस्टेबल गवर्नमेंट कभी भी इतनी अनस्टेबल नहीं होती. उनको पता कि 5 ईयर्स के बाद हमने चेंज हो जाना, पता नहीं बाद में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा.
वो 5 ईयर्स के लिए वो इतने जो है वो लोगों के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आंसरेबल नहीं होते। अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग, तो जिसमें कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सेकेंड इज, मैंने आपको भी बताया, इलिटरेसी। जिस कंट्री में लोग इलिटरेट है, जिनको पता ही नहीं है कि लीडर का नाम क्या है, वो राइट टू वोट को क्या कर सकते हैं, मिस यूज। कैसे मिस यूज कर सकते हैं, कैसे मिस यूज कर सकते हैं? यस, कोई भी पर्सन उनके राइट टू वोट को मिस यूज कर सकता है बाय गिविंग देम मनी। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग इतने गरीब हैं, वो वोट भी बेच सकते हैं अपने। क्लियर? एंड थर्ड इज रोल ऑफ मनी, मसल पावर। यूपी बिहार की साइड आप देखोगे मोस्टली पॉलिटिक्स में मनी के साथ साथ मसल पावर इन्वॉल्व। मसल पावर का मतलब है माइट इज राइट, है ना? जिसके पास पावर है वही इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। ऑनेस्ट लोगों के लिए इलेक्शन जीतना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। पब्लिसिटी, उसमें कितना पैसा जो है लगाना पड़ता है, कैंपेनिंग में पैसा लगाना पड़ता है, तो दैट इज नॉट इजी फॉर अ कॉमन पीपल एंड पुअर पीपल और ऑनेस्ट पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन द इलेक्शन। प्रोमिसेस, यस, प्रोमिसेस आर नॉट फुलफिल्ड। पार्टी जो प्रोमिसेस करती है, जो उनके एजेंडा में लिखा जाता है, मैनिफेस्टो में लिखा जाता है, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये मेन प्रॉब्लम आती है। क्लियर? और क्या प्रॉब्लम आती है? यस, कास्ट एंड रिलीजन, यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट और रिलीजन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कास्ट के बेसिस के ऊपर वोट लिए जाते हैं। लाइक अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज देयर, वो कहेंगे कि हम मुस्लिम हैं, आप हमें मुस्लिम्स को वोट दीजिए, हम जीत जाने के बाद आपकी फेवर करेंगे। तो ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ लोगों के साथ प्ले किया जाता है एंड वोट बैंक अट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? तो ये तो थे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नेक्स्ट इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या होती है एंड उनके फीचर्स क्या है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का फर्स्ट फीचर अगर पॉजिटिव बात की जाए, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट लेती है, एक ही पर्सन है, एक ही पार्टी है, तो वही रहेगा, जैसे रॉबर्ट मुगाबे। अब इसको पॉजिटिव सेंस में लें, तो उसको पता कि मैंने अपनी कंट्री को डेवलप करना है, वो अपनी कंट्री को फुल डेवलप करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। एक ही फैमिली है, रूलर चेंज होते रहते हैं कि फैमिली एक है। तो सऊदी अरेबिया देखो कितनी डेवलप कंट्री बन गई है, क्योंकि उनको पता है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंट्री जो है उनके कंट्रोल में है, और जो भी वो मनी अर्न कर रहे हैं, वट एवर दे आर अर्निंग, वो उनकी फैमिली में ही जा रहा है। तो इसलिए ऐसी कंट्रीज डिवेलप नेशन मानी गई है। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया कंट्री। सेकेंड, अगर प्रेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिले इन डिसीजन नहीं होता, इंस्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि रूल एक पर्सन या ग्रुप के हाथ में है। लेकिन हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, डिले इन डिसीजंस। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, इमीडिएटली एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इमीडिएटली पास हो जाते हैं। थर्ड, अगर और प्रेज की जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, और क्या हो सकता है वहां पे प्रेज की जाए, तो वहां पे क्या होता है, करप्शन नहीं है। सऊदी अरेबिया में करप्शन नहीं है, नो करप्शन इज देयर। लेस, नो तो नो, नो नहीं कहोगे आप, ये कहोगे लेस पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट इन सऊदी अरेबिया और मेनी कंट्रीज। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ है। आपने सुना होगा कि जो जो लोग थीफ हैं, चोरी करते हैं, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, है ना? तो आप खुद सोचो कि जब लोगों को पता है रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो वो चोरी नहीं करेंगे। तो ऐसी कंट्रीज जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, इन कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का फायदा ही होगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रेज। अब इसका नेगेटिव क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक का नेगेटिव फीचर क्या है? नंबर वन, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रूलर का रिलीजन होगा वही कंट्री का होगा। जैसे डिक्टेटर की बात करें, हिटलर, हिटलर का टाइम, या सऊदी अरेबिया में इस्लाम है। जो लोग इंडिया से वहां पे गए हैं, दे आर नॉट फ्री टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स ओपनली। आप वहां पे जाके दिवाली, दशहरा ऐसा नहीं मना सकते जो अपनी कंट्री में मनाते हैं। देन थर्ड, थर्ड नॉन डेमोक्रेटिक का जो है नेगेटिव फीचर क्या है इसका, एनी बॉडी कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल।
किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी केस के। एनीबॉडी कैन बी डिपोर्ट, किसी को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कंट्री से निकाल दिया जाता है। एंड डिटेन, डिपोर्ट का मतलब होता है कंट्री से निकाल देना, डिटेन का मतलब होता है जेल में डाल देना। डिपोर्ट एंड डिटेन विदाउट ट्रायल, कोई वारंट नहीं होगा वहां पे। यहाँ पे तो हमारी कंट्री में क्या होता है, वारंट दिखाना पड़ता है, ओनली देन पुलिस कैन अरेस्ट, वहां पे ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज नो अपोजिशन, नो अपोजिशन इज टॉलरेटेड। अपोजिशन पार्टी तो होती ही नहीं है, ना टॉलरेट किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा इमिडिएटली क्या कर दिया जाएगा, ही विल बी गिवन पनिशमेंट। नो अपोजिशन इज परमिटेड। नेक्स्ट मीडिया, टीवी जो सबसे मेन पिलर है डेमोक्रेसी का ना, वो वहां पे होता ही नहीं। कभी आपने देखा सऊदी अरेबिया के लोग स्ट्राइक किया, एजिटेशन किया, या वहां के अगेंस्ट गए, होता ही नहीं। और अगर करेंगे भी तो वो दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी जो न्यूज है प्रॉपर उनको जो है वो चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, सेंसरशिप है वहां पे। मीडिया, टीवी, प्रेस, न्यूज पेपर आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर द नेगेटिव और डीमेरिट्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्लियर? ओके, टुमारो आई विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बेटा। एंड जिन बच्चों की नोटबुक रहती है टर्म वन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, आपने नहीं किया।